ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से पिछले दो दिन से विधानसभा में जानबूझकर के हंगामा करने का काम कर रहे हैं और इस बात को लेकर माननीय नेता को घेरने का काम कर रहे हैं, उन सब बातों की जिक्र इन एनसीईआरटी के 12th के किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसकी कॉपी हम आपको दे देते हैं। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। हम आपको पेज नंबर बता देते हैं एनसीईआरटी की, ये पेज नंबर है 60 और इसमें है पेज नंबर हमको लगता है हिंदी में है 64। इसमें स्पष्ट रूप से माननीय नेता ने जो बात कही है उसको इसमें लिखा हुआ है। जब आप प्लस टू के बच्चों को पढ़ाते हैं जब आप एनसीईआरटी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उसकी हम कॉपी भी आप लोगों को फोटो सेट दे रहे हैं 67, तो जब आप एनसीईआरटी के किताब में सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दल को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन दल कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी प्लस टू के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा आप पढ़ा रहे हैं, उस पर आप बार बार हंगामा कर रहे हैं। इसके कारण ये है कि जो नेता ने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाया और जिस तरह से जाति गणना के बाद इसमें अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है आरक्षण को, उसको ये लोग रोकना चाहते हैं। भाषण तो दिए हैं पक्ष में लेकिन इनकी कार्रवाई, क्योंकि आज बिल आना है, आजकल माननीय नेता ने आके आसन में माफी भी मांग लिया, उनका दिल इतना बड़ा है उसके बाद कि अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम माफी मांगते हैं, और उसके बावजूद भी ये लोग जो बात ये पढ़ा रहे हैं और देश के नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार पर चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपको इतना शर्म लग रहा है तो आप सिलेबस क्यों नहीं बदलते हैं? ये सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं आप? सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों डाले हुए हैं? आपको लगता है कि ये अपमानजनक है, समाज में इस तरह की बात नहीं जानी चाहिए, तो फिर आप 12वीं के बच्चों को एनसीईआरटी के सिलेबस में क्यों पढ़ा रहे हैं? और उसके बाद क्योंकि आज बिल आना है और इसीलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं, और इन लोग की मंशा नहीं है कि किसी भी तरह पिछड़ा अति पिछड़ा दलित इस प्रदेश में इम्पावर्ड हो, और यही कारण है कि ये लोग इसमें हल्ला कर रहे हैं दोनों हाउस में और नीतीश कुमार के इमेज को खराब करना चाहते हैं। इससे नीतीश जी के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश का दलित अति पिछड़ा पिछड़ा जानता है कि इस प्रदेश में लंबे समय से किसने लड़ाई लड़ी है और कौन जातीय गणना कराने की हिम्मत किया और किसने इस प्रदेश में आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है।